हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज भी कमेंट बेस्ड ही वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इजी टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि आपकी मॉली फिश जो है वो अब फ्राइज देने वाली है और उस पीरियड में आपको कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कुछ मॉली फिशेज का फ्राइज जिसको मैंने इस पॉन्ड से पकड़ा है और अधिकतर जो मेरी फ्राइज थी उसको मेरी बड़ी फिशेज ने खा लिया है और काफ़ी खोजने के बाद मुझे बस ये चार मिला। और ये जो फ्राइज आप देख रहे हैं ये सारा फ्राइज मॉली फिशेज का है। ये एक्चुअली मेरे से ही गलती हो गया, मुझे ही वक्त रहते मॉली फिश को अपना इस पॉन्ड से निकाल लेना चाहिए था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी मॉली फिश जो है वो फ्राइज देगी, लेकिन इतना जल्दी देगी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो चलिए आप लोगों को कुछ सिंपल टिप्स बता देता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपकी जो मॉली फिश है वो फ्राइज देने वाली है कि नहीं। सबसे पहला एंड सबसे कॉमन चीज़ जिसको हम लोग ईजिली देख के अपनी मॉली फिश को समझ सकते हैं कि मॉली फिश जल्दी फ्राइज देने वाली है, और वो है मॉली फिश का बेली। फ्राइज देने का 9 से 10 दिन पहले तक मॉली फिश का जो बेली है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा और आप देखेंगे कि उसको स्विम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और मैक्सिमम टाइम वो ग्रेवल्स के ऊपर में ही बैठे रहेगी। तो अगर आपका भी मॉली फिश कुछ इसी टाइप का बिहेव करेगी तो आप जल्द से जल्द अपने उस मॉली फिश को अपने कम्युनिटी टैंक से अलग कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई टैंक है तो उस मॉली फिश को आप कोई टैंक में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टैंक नहीं है तो किसी बड़े बकेट में उस मॉली फिश को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस भी जगह पर अपने मॉली फिश को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस प्लेस में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस एंड प्लांट्स वगैरह लगा दीजिएगा। इससे आपका मॉली फिश जो है वो सेफ फील करेगी। टब में अच्छा हाइडिंग प्लेसेस देने के बाद आपको अब ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। अगर आपके पास वाटर फिल्टर है जैसे कि आप मेरे में देख रहे हैं, तो ये आप वाटर फिल्टर उस टब में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास वाटर फिल्टर नहीं है तो आप एयर पंप जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। एयर पंप या फिर वाटर फिल्टर आपका पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों में से कोई एक ज़रूर लगाने का कोशिश कीजिएगा। और ये सिर्फ क्योंकि 9 से 10 दिन का बात है, तो ये 9 से 10 दिन में अगर आप फिल्टर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मस्ट है, वो टब में रेगुलर मिलते रहना चाहिए। और आप लोग अभी जैसे देख रहे हैं कि इसमें जितना भी रियल प्लांट्स वगैरह है या फिर जितना ग्रेवल्स वगैरह इसमें है, ये सारा मैंने अपने फिश पॉन्ड से लिया है। सो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जो भी चीज़ आपको पहले से एक्वेरियम में यूज़ किया हुआ है वही सारा चीज़ को आपको इस टब में डालना है। और वो सब जो स्टोन वगैरह है वो सब थोड़ा काई लगा हुआ होगा, लेकिन उस सबको साफ नहीं करना है। वो सब जैसे हम लोग एक्वेरियम से उठाए वैसे ही हम लोग को उस टब में डाल देना है। ऐसा करने का बस यही मकसद है कि जहाँ वो हम लोग टब में अभी अपना फिशेस को रखेंगे वहाँ पर पहले से ही गुड बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो बना हुआ रहे। और हम लोग को पता है गुड बैक्टीरिया जो होता है वो स्टोन वगैरह में ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग पहले से ही यूज़ किया हुआ स्टोन को यूज़ कर रहे हैं इसमें। और अब बात करते हैं फीडिंग के बारे में। तो फीडिंग अगर आप पैलेट्स देते हो तो आप पैलेट्स भी दे सकते हैं, या अगर आपके पास रेड वॉर्म है तो आप रेड वॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन ओवर फीडिंग जो है वो एकदम नहीं करना है। अगर आप पैलेट्स देते हैं तो सुबह के टाइम आपको बस 2 पैलेट्स देना है और रात के टाइम 2 पैलेट्स, और ऐसे 9 to 10 डेज के अंदर में ही मॉली फिश जो है फ्राइज दे देती है। कभी कभी तो 1 दिन के अंदर में भी फ्राइज दे देती है। लेकिन अगर आपका ज्यादा दिन लग रहा है तो आपको वेट करना है, पानी का अमोनिया का लेवल जो है कम रखना है, ऑक्सीजन का सप्लाई को मेंटेन रखना है, और उसके साथ ही साथ फिश को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और ओवर फीडिंग नहीं करना है। फिश का स्ट्रेस जो है जितना कम रहेगा या फिर फिश जितना कम डरी हुई रहेगी उतना ही जल्दी बर्थ देगी। इसके साथ ही साथ अगर आपका मॉली फिश फ्राई देती है तो फ्राइज के पास काफी स्पेस होगा छिपने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मॉली फिश अपने फ्राइज को अपने ही खा लेती है, इसीलिए ढेर सारा हाइडिंग प्लेस को रखिएगा। एंड सेकेंडली, आप जिस भी टब में अपने मॉली फिश को रख रहे हैं उस टब को हमेशा कवर रखिएगा। एंड कवर आप किसी भी नेट वगैरह से कर सकते हैं। कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखा जाता है जब मॉली फिशेज 1 से 2 दिन में अब बेबीज देने वाली होती है तो वो लोग क्या करती है, वो लोग वो टब से बाहर कूदने का कोशिश करेगी, और इसीलिए वो बकेट वगैरह को कवर रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।